Hello everyone, welcome to Panacea Tutor. In this video, we are going to discuss a very important topic from the examination point of view, that is square of opposition. Square of opposition आपका एक बहुत important topic है under the unit logical reasoning. अगर आप previous year question papers देखो तो ये एक ऐसा topic है जिसमें से हमेशा minimum 2 question तो रहे हैं और maximum 3 question भी sometimes पूछे जाते हैं. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो लॉजिकल रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है. कि हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे. तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन. एंड इफ यू वांट टू अवेल द कंप्लीट कोर्स ऑफ पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स यू कैन जॉइन panaceatutor.com. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, दैट इज स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन. सी, बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाता है तो आप इसमें से 101% फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो. क्योंकि इस टॉपिक में से अगर आप देखो, कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के आप देख सकते हो, इसमें से 1 or 2 क्वेश्चंस तो हैं ही हैं. ये दिसंबर 2019 में भी लगभग सारे सेट्स में, सारे सब्जेक्ट्स के पेपर 1 में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में से क्वेश्चन देखे गए. एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दिसंबर 2019 अटेम्प्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद डिटेल. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, दैट इज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए ताकि आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सको. सी, बेसिकली स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में क्या होता है, आपकी 4 टाइप की स्टेटमेंट्स होती है. एंड द फर्स्ट वन इज ए टाइप, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. सेकेंड वन इज ई टाइप, थर्ड वन इज आई टाइप एंड द फोर्थ वन इज ओ टाइप. ये 4 टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप एंड ओ टाइप. नाउ यूजली ए टाइप स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम ऑल है. ए टाइप की जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम ऑल है. एंड ई टाइप स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम नो. एंड आई टाइप स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम सम. एंड ओ टाइप स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम सम नोट. जो आपकी ए टाइप स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव या फिर यूनिवर्सल पॉजिटिव भी कह सकते हैं. आप इसको लर्न कैसे कर सकते हो, ये स्टेटमेंट यूजुअली स्टार्ट होती है ऑल से, तो ए से अफर्मेटिव को आप याद रख सकते हो. एंड नेक्स्ट वन इज ई टाइप स्टेटमेंट. ई टाइप जो स्टेटमेंट है वो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव. उसमें नो है, नो एन से स्टार्ट होता है, तो आपकी वो आप याद रख सकते हैं कि ये यूनिवर्सल नेगेटिव है. ठीक है, आई टाइप स्टेटमेंट्स क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव या फिर पर्टिकुलर पॉजिटिव. एंड ओ टाइप स्टेटमेंट्स क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव. तो ये आपका जो चार्ट है, अगर आप इस चार्ट को जो हम कर रहे हैं इसको आप अपने माइंड में रिटेन कर लो तो आप इजिली जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे. अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ए टाइप स्टेटमेंट्स एंड ई टाइप स्टेटमेंट्स को हम कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स कहते हैं. ठीक है, एंड आई टाइप स्टेटमेंट्स एंड ओ टाइप स्टेटमेंट्स को हम सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स कहते हैं. ऐसे ही ए टाइप स्टेटमेंट्स एंड आई टाइप स्टेटमेंट्स को हम सब ऑल्टरेशन कहते हैं, और ई टाइप स्टेटमेंट्स एंड ओ टाइप स्टेटमेंट्स को भी हम सब ऑल्टरेशन कहते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज ए टाइप स्टेटमेंट्स एंड ओ टाइप स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स. एंड ई टाइप स्टेटमेंट्स एंड आई टाइप स्टेटमेंट्स को भी हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स. तो ये एक हमारा चार्ट है किसका, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन का. अभी आप सब सोच रहे होंगे कि ये कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स क्या होता है, सब ऑल्टरेशन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है. तो इसको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. लेकिन बेसिकली ये जो चार्ट है आपका, अगर आप इसको एक माइंड में रिटेन कर सकते हो तो वो आपको बहुत हेल्प करता है क्वेश्चंस को सोल्व करने में. तो अब आप इस चार्ट को लर्न कैसे करें, मतलब इजीली एक इजी ट्रिक है जिसके थ्रू आप ये याद रख सकते हैं, वो क्या है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. अब इस डायग्राम को या इस चार्ट को बनाने की हम एक ट्रिक याद रख सकते हैं, दैट इज इंग्लिश वोवल्स. हम इंग्लिश में वोवल्स पढ़ते हैं. वोवल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू. आपने इसमें जो कंसीडर करना है वो सिर्फ 4 वर्ड्स को कंसीडर करना है, दैट इज ए ई आई ओ. यू हमने इसमें नहीं लेना. ठीक है, और जो आपका ये चार्ट है ये एक्स
की फॉर्म में होता है बेसिकली, तो आपका एक्स की फॉर्म में आपका क्या है, दैट इज ए ई आई ओ, आप इसको वोवल्स के थ्रू याद रख सकते हैं. Now we'll move to our next topic, that is some words that denote A, E, I, O types. अब कुछ words हैं जिनसे आपको ये estimate हो जाएगा कि जो आपकी statements हैं वो A type की है, E type की है, I type की है या फिर O type की है. हमने discuss किया कि जो all है वो A type होता है, right? अब देखो A type में और कहाँ से आपका जो है statement start हो सकता है, all से हो सकता है, noun से हो सकता है, ईट से हो सकता है, प्रनाउन से हो सकता है, एवरी एनी ओनली द, ठीक है. ऐसे ही ई टाइप स्टेटमेंट्स में हमने स्टडी किया था कि नो टाइप जो यूजली है वो स्टेटमेंट्स कौन सी होती है, ई टाइप होती है. ऐसे इसके और वर्ड्स भी हैं जिन स्टेटमेंट्स को हम ई टाइप स्टेटमेंट्स कहते हैं, जैसे कि नो, नेवर, नन एंड नाइदर, ठीक है. ऐसे ही आपका आई टाइप स्टेटमेंट्स है. आई टाइप स्टेटमेंट्स में हमने स्टडी किया कि जो आई टाइप स्टेटमेंट्स होती हैं वो बेसिकली सम से स्टार्ट होती हैं. अब इसके और वर्ड्स क्या हैं, अ फ्यू, सर्टन, मोस्टली, ऑलमोस्ट, फ्यू, ठीक है. ऐसे ही ओ टाइप स्टेटमेंट्स हैं. ओ टाइप स्टेटमेंट बेसिकली आपकी सम नोट हमने स्टडी किया था. ऐसे ही इसके और वर्ड्स क्या हैं, दैट इज हार्डली, एवरी, एवरी के ब्रैकेट में आप देखोगे नोट लिखा हुआ है. सी देखो, आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो ओ टाइप स्टेटमेंट्स होती हैं वो पर्टिकुलर नेगेटिव होता है, वहां पर एक नेगेटिव वर्ड होगा. जो भी आपकी ए टाइप स्टेटमेंट्स है, जैसे अगर ओल है तो वो आपकी ओ टाइप भी बन सकती है, लेकिन उसके साथ नोट भी लिखा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ कि ऑल रेड आर रोजेज, तो ये आपकी होगी ए टाइप स्टेटमेंट. लेकिन अगर मैं आपको कहती हूँ ऑल रेड आर नॉट रोजेज, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना ये देख के कि आगे जो फ्रंट वर्ड है वो ऑल है, तो वो ए टाइप स्टेटमेंट्स होगी. नो, क्योंकि ऑल के साथ क्या लगा है, नॉट लगा है, तभी करके वो क्या होगी, ओ टाइप स्टेटमेंट्स होगी, ठीक है. तो अगर आपके कोई भी ऐसा वर्ड जैसे एवरी के साथ नॉट लगा हुआ आ जाए तो वो ओ टाइप स्टेटमेंट्स बन जाएगी, ठीक है. लेकिन अगर सिर्फ एवरी हो, जैसे कि एवरी रेड आर रोजेस, तो वो आपकी क्या होगी, ए टाइप स्टेटमेंट्स होगी. ऐसी ओ टाइप्स में और कौन कौन से वर्ड हो जाते हैं, हार्डली, वही जो मैंने अभी आपको बात बताई, एवरी, एवरी के साथ क्या लगा हुआ होगा, नॉट लगा हुआ होगा. तो ये कुछ वर्ड्स थे जो डिनोट करते हैं ए ई आई ओ. Now we will discuss one by one की contradictory statements क्या होती हैं, contrary statements क्या होती हैं, sub contrary statements क्या होती हैं and sub alteration statements क्या होती हैं. And the first one is contradictory statements. See, when we talk about contradictory statements, you can see the diagram on the screen. देखो A type, E type, I type और O type. ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्ट्री पेयर्स कौन से होते हैं. जब हम कॉन्ट्राडिक्ट्री पेयर्स की बात करते हैं तो ए टाइप स्टेटमेंट्स एंड ओ टाइप स्टेटमेंट्स, एक तो हमारा ये पेयर होता है, एक ई टाइप स्टेटमेंट्स एंड आई टाइप स्टेटमेंट्स, एक हमारा ये पेयर होता है. तो इन दोनों पेयर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट्री पेयर्स. अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या हैं, देखो, इफ वन इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली एंड वाइस वर्सा. देखो अगर एक ट्रू है तो दूसरा जो है वो फॉल्स होगा डेफिनेटली. इसको हम एग्जांपल से भी करेंगे रूल्स को समझने के बाद. जैसे कि आप देख सकते हो वो यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर ए टाइप स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है, तो डेफिनेटली फॉल्स कौन सी होगी, ओ टाइप स्टेटमेंट्स, ठीक है. सिमिलरली अगर ई टाइप स्टेटमेंट्स वो क्या कह रहा है कि फॉल्स है, तो डेफिनेटली ट्रू कौन सी होगी, आई टाइप स्टेटमेंट्स, ठीक है. तो यहां पर वो कह रहा है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी क्या होगी, फॉल्स डेफिनेटली, और अगर वन स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी क्या होगी, डेफिनेटली ट्रू होगी. उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट्री पेयर्स. और ये होता किसमें है, ए और ओ के रिलेशनशिप में या ई और आई में, ठीक है, ए या ओ में, ई या आई में. एंड द नेक्स्ट रूल इज इफ वन इज अनडिटरमाइंड अदर विल आल्सो बी अनडिटरमाइंड. अगर एक का नहीं पता तो दूसरे का भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहां पर हम यही स्टडी करते हैं कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा डेफिनेटली. लेकिन अगर मुझे एक का ही नहीं पता होगा तो मैं दूसरे का नहीं बता सकती.
ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज, वन इज डिनाइल ऑफ अदर. यस, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है डेफिनेटली, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है डेफिनेटली. एंड हमारा लास्ट पॉइंट क्या है कि ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में सेम होते हैं लेकिन क्वालिटी एंड क्वांटिटी में डिफरेंट होते हैं. राइट, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटी एंड क्वालिटी. सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि दो टर्म्स आपकी यहाँ पर यूज हुई, एक हुई क्वालिटी एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटी, इट मीन्स यूनिवर्सल और पर्टिकुलर. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ये दोनों में ही डिफरेंट होते हैं, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी. कैसे? अब आप अगर अपना डायग्राम देखें तो जो ए टाइप स्टेटमेंट्स हैं वो पॉजिटिव है. आई टोल्ड यू कि अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, लेकिन जो ओ टाइप स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, वो नेगेटिव है. ये डिफरेंट है किसके अंदर, क्वालिटी के अंदर. अब ये डिफरेंट है क्वांटिटी के अंदर भी, वो कैसे. हमने पढ़ा कि क्वांटिटी मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर. अगर आप ए टाइप स्टेटमेंट देखो तो वो यूनिवर्सल में लाई करता है, अगर आप ओ टाइप स्टेटमेंट देखो तो वो पर्टिकुलर में लाई करता है. तभी करके जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं वो दोनों में डिफरेंट होती हैं, चाहे वो क्वालिटी वाइज हो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो क्वांटिटी वाइज हो मतलब यूनिवर्सल या फिर पर्टिकुलर. तो जो आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर्स हैं वो दोनों चीज़ों में अलग होंगे, क्योंकि आपका एक टाइप जो है वो यूनिवर्सल है, दूसरा टाइप जो है पर्टिकुलर है. एक टाइप आपका पॉजिटिव है, दूसरा टाइप आपका नेगेटिव है. और इसके पेयर्स कौन कौन से हैं, ए एंड ओ, ई एंड आई. ठीक है, ऐसे ही हमारा ई एंड आई में होगा. ई टाइप जो स्टेटमेंट्स है वो नेगेटिव है एंड आई टाइप जो स्टेटमेंट्स है वो पॉजिटिव है. तभी करके ये क्वालिटी में डिफरेंट होगी. एंड क्वांटिटी में कैसे डिफरेंट होगे, अगर आप देखो जो ई टाइप स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल में लाई करती है एंड आई टाइप स्टेटमेंट जो है वो पर्टिकुलर में लाई करती है. ठीक है, तो यही हमारा लास्ट पॉइंट था कि इनका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है लेकिन ये डिफरेंट है क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी. So these were the rules of contradictory statements. I will repeat once again कि इसमें main बात आपने क्या याद रखनी है कि one is denial of other. अगर एक true है तो दूसरा definitely false होगा, अगर एक false है तो दूसरा definitely true होगा. अब आप इसका example देख सकते हैं अपनी screen पर कि all red are roses. See, all red are roses are A type statements, right? And some red are not roses are O type statements. हमने पढ़ा कि ए का पेयरिंग किसके साथ होती है, ओ के साथ. एंड ई की पेयरिंग किसके साथ होती है, आई के साथ. अगर ऑल रेड आर रोजेस ट्रू है, क्या है, ट्रू है, तो सम रेड आर नॉट रोजेस क्या होगा, फॉल्स डेफिनेटली. सिमिलरली अगर हम पढ़ें कि नो रेड आर रोजेस फॉल्स है, तो सम रेड आर रोजेस क्या होगा, ट्रू डेफिनेटली. हमने यही पढ़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में कि अगर एक ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स डेफिनेटली, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू डेफिनेटली. तो यही आपका एग्जाम्पल था कि अगर ऑल रेड आर रोजेस ए टाइप स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो आपकी डेफिनेटली फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट होगी, दैट इज सम रेड आर नॉट रोजेस, जो कि ओ टाइप की है. ऐसे ही अगर नो रेड आर रोजेस आपकी फॉल्स होगी तो डेफिनेटली ट्रू कौन सी होगी, सम रेड आर रोजेस, जो आपकी कौन सी टाइप है, आई टाइप है. तो ये हमारी क्या थी, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स. Now we will move to our next statements, that is contrary statements. See, basically जो contrary statements है वो A type और E type में relationship build करती हैं. जो statements A type और E type का relation build करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, contrary statements कहते हैं. A type आपको पता है old type, E type आपको पता है no type. और ये दोनों ही किस में लाई करते हैं, universal में लाई करते हैं. ठीक है, तो आप इसके rules देख सकते हो. A and E जो है वो contrary pairs है. इट इज ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, ये दोनों कहाँ लाई करती है, बिटवीन यूनिवर्सल.
अब जहां से क्वेश्चन आता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से वो क्वेश्चन पूछता है कि बोथ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स. दोनों स्टेटमेंट्स एक ही बारी में ट्रू नहीं हो सकती लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स एक ही बारी में फॉल्स हो सकती हैं. तो ऐसी टाइप की स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स होती हैं. अब इसी पॉइंट को बेस बना के हमने नेक्स्ट पॉइंट को समझना है, ठीक है. वो क्या कहता है, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि बोथ द स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू. दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू तो हो ही नहीं सकती लेकिन दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती हैं. मैं कह रही हूं हो सकती हैं. तो आप अगला पॉइंट देखो, अब इफ वन इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली. मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हो सकती, तो अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी क्या होगी, फॉल्स डेफिनेटली. बट इफ वन इज फॉल्स अदर विल बी डाउटफुल, कि अगर एक फॉल्स है तो दूसरी डाउटफुल होगी. वो ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है. दोबारा से मैं ये पॉइंट को बताऊंगी, हमने डिस्कस किया कि बोथ द स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू. दोनों स्टेटमेंट्स एक ही बारी में ट्रू नहीं हो सकती लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स एक ही बारी में फॉल्स हो सकती हैं. मतलब प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. तो तभी करके उन्होंने कहा कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी डेफिनेटली, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट डाउटफुल होगी, क्योंकि वो ट्रू हो भी सकती है और वो फॉल्स भी हो सकती है. तभी करके हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डाउटफुल, राइट. अगला क्या है, दे हैव सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफर इन क्वालिटी. हमने डिस्कस किया क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे, ठीक है. क्वालिटी मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट, एंड क्वांटिटी मतलब यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर. तो जो आपकी कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स हैं ये किस में डिफर करती हैं, क्वालिटी में डिफर करती हैं, क्योंकि जो ए टाइप स्टेटमेंट्स हैं वो पॉजिटिव है और ए टाइप जो स्टेटमेंट्स हैं वो नेगेटिव है, लेकिन इनकी क्वांटिटी क्या है, सेम है, क्योंकि ये दोनों किस में लाई करते हैं, ये यूनिवर्सल में लाई करते हैं. दैट्स व्हाई दे हैव द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफर इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी. अब आप कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स का एग्जांपल भी देख सकते हो. फॉर एग्जांपल, ऑल रेड आर रोजेस, अगर ऑल रेड आर रोजेस ए टाइप है, अगर ये ट्रू है, ठीक है, देन नो रेड आर रोजेस इज फॉल्स डेफिनेटली. क्यों, हमने पढ़ा कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी. बोथ द स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू. तभी करके अगर ऑल रेड आर रोजेस ट्रू है तो नो रेड आर रोजेस क्या होगा, फॉल्स डेफिनेटली. ऐसे ही अगर ऑल रेड आर रोजेस फॉल्स होता तो दूसरा क्या होगा, डाउटफुल, क्योंकि हमने पढ़ा था बोथ द स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स, हो सकती हैं, वो फॉल्स भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती. तभी करके नो रेड आर रोजेस क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा. नाउ वी विल डिस्कस द सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स, राइट. सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, अगर आपको कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स समझ आ गया तो सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स उसका रिवर्स होता है, टोटली उसका उल्टा होता है. सबसे पहले जो सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स है वो आई और ओ में लाए करते हैं. आई कौन से होते हैं, सम टाइप स्टेटमेंट्स, और ओ में यूजुअली कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, सम, नॉट, ठीक है. इन्हें हम क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट. इसके रूल्स देखो, इसका जो पेयर है वो आई और ओ है. इट इज ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर. जो आपकी कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स थी, इट वॉज ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल. और अब जो आपकी सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स है, इट लाइज ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर, ठीक है, ये पर्टिकुलर में लाई करता है. बोथ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी फॉल्स बट कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम. बिल्कुल उसका रिवर्स. हमने वहां पर पढ़ा बोथ द स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू, यहां पर पढ़ रहे हैं बोथ द स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी फॉल्स, ठीक है. वहां पर पढ़ा हमने कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती हैं, यहां पर पढ़ रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकती हैं.
तो सेम अब इसी के साथ रिलेटेड इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ वन इज फॉल्स, अगर एक फॉल्स होगी तो दूसरी क्या होगी, ट्रू डेफिनेटली, क्योंकि हमने सब कॉन्ट्रेरी में पढ़ा कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकती, तो अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा डेफिनेटली. बट इफ वन इज ट्रू, लेकिन अगर एक ट्रू है तो सेकेंड वन क्या होगी, डाउटफुल होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बोथ द स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू. आई एम यूजिंग द वर्ड कैन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी है वो ट्रू हो भी सकता है और वो फॉल्स भी हो सकता है. तभी करके अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, डाउटफुल होगी. एंड द लास्ट वन इज दे हैव द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफर इन क्वालिटी. सेम है ये पॉइंट भी, जैसे हमारी कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स थी जो वो भी क्वालिटी में डिफर थी. क्वालिटी में डिफर कैसे थी कि एक पॉजिटिव थी और एक नेगेटिव स्टेटमेंट थी, ऐसे ही जो हमारी सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स है वो भी क्वालिटी में डिफर है. कैसे, जो आपकी आई टाइप स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है और जो आपकी ओ टाइप स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन आपकी क्वांटिटी यहाँ पर भी सेम है क्योंकि दोनों ही किस में लाए करते हैं, दोनों ही पर्टिकुलर में लाए करते हैं. जैसे हमने कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स में पढ़ा कि जो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स है दैट लाइज बिटवीन यूनिवर्सल, सिमिलरली सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स लाइज बिटवीन पर्टिकुलर, लेकिन इनकी क्वालिटी डिफर है. जैसे कि आई टाइप स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है एंड ओ टाइप स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है. नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स ऑन योर स्क्रीन. वैसा ही है कि अगर मैं आपको कहती हूँ सम रेड आर रोजेज इज फॉल्स, कि सम रेड आर रोजेज जो है वो फॉल्स है, तो हमने इसमें क्या स्टडी किया, बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स, तो अगर एक फॉल्स है तो दूसरी क्या होगी, ट्रू डेफिनेटली होगी. तभी करके सम रेड आर नॉट रोजेज ट्रू होगी डेफिनेटली. ऐसे ही अगर मैं कहती हूं कि सम रेड आर रोजेस ट्रू है तो दूसरी क्या होगी, सम रेड आर नॉट रोजेस डाउटफुल होगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि वो ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. आई विल रिपीट दैट लाइन अगेन दैट बोथ द स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी फॉल्स बट बोथ द स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा. इस वीडियो को आप एक दो बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस या फिर आप कमेंट सेशन में भी हमें मेंशन कर सकते हैं. ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाता है यू विल एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन स्क्वेयर ऑफ ऑपोजिशन. Now we will discuss the question related to contradictory statements, contrary statements and subcontrary statements. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो को टू पार्ट्स में कवर करेंगे. आज हमने डिस्कस करे थ्री टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, दैट इज कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स, सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स. इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर सब ऑल्टरेशन और इसके हम समरी को डिस्कस करेंगे और आपको कैसे इसको याद रखना है वो सब बातें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So now we will discuss the question related to contradictory statements, contrary statements and subcontrary statements. And the first question is, as you can see on your screen, if the proposition that no man is honest taken to be false, then which of the following propositions can be claimed certainly to be true? उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, पहले आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए कि अगर नो मैन आर ऑनेस्ट को हमने क्या लिया है, फॉल्स लिया है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नो मैन आर ऑनेस्ट कौन सी टाइप की स्टेटमेंट्स है, दैट इज ई टाइप स्टेटमेंट्स, ए ई आई ओ. ए टाइप कौन सी होती है, ऑल. ई टाइप कौन सी होती है, नो. आई टाइप कौन सी होती है, सम. एंड ओ टाइप कौन सी होती है, सम नोट. तो ये कौन सी टाइप की स्टेटमेंट्स है, दैट इज ए ई. ई टाइप स्टेटमेंट्स है आपकी कौन सी, नो मैन आर ऑनेस्ट. अगर नो मैन आर ऑनेस्ट को हमने फॉल्स ले लिया, उन्होंने कहा कि अगर नो मैन आर ऑनेस्ट फॉल्स है तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो डेफिनेटली आपकी क्या होगी, ट्रू होगी. हमने कॉन्ट्राडिक्टरी में स्टडी किया था कि कॉन्ट्राडिक्टरी के पेयर कौन कौन से होते हैं, ए एंड ओ, ई एंड आई.
तो ये जो है हमारा नो मेन आर ऑनेस्ट ई टाइप है और ये फॉल्स है, तो डेफिनेटली ट्रू कौन सी होगी? दैट विल बी आई टाइप स्टेटमेंट्स, मतलब सम टाइप की जो स्टेटमेंट होगी वो डेफिनेटली ट्रू होगी। अब आप अपने ऑप्शन देख सकते हो, ऑल मेन आर ऑनेस्ट, सम मेन आर ऑनेस्ट, सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट, नो ऑनेस्ट पर्सन इज अ मैन। सो द राइट आंसर विल बी सम मेन आर ऑनेस्ट। And the next question is, when subject and predicate of both the premises is same but they differ only in quality and they lie between universal, it is known as, क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन में कि दोनों सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है लेकिन उसकी क्वालिटी डिफरेंट है। हमने दो चीजें डिस्कस करी थी, वी डिस्कस अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड क्वांटिटी मीन्स यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि दोनों डिफर करता है किसके अंदर, क्वालिटी के अंदर, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव में वो चीज डिफरेंट है लेकिन वो यूनिवर्सल में लाई करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये आंसर बहुत इजी है, अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स आपकी वो स्टेटमेंट्स होती है जो लाई करती है बिटवीन यूनिवर्स, ठीक है, वो यूनिवर्सल में लाई करता है, पर्टिकुलर में लाई नहीं करता। एंड जो आपकी कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स होती हैं वो डिफर होती है इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। Now you can see the next question, that is, according to traditional square of opposition, if two propositions are so related that they cannot both be false although they may both be true is known as, is called, उसको हम क्या कहते हैं? पहले आप क्वेश्चन को समझो, वो कह रहे हैं कि दोनों एक ऐसी स्टेटमेंट्स जो फॉल्स नहीं हो सकती लेकिन ट्रू हो सकती हैं। Both the statements cannot be false at the same time but can be true. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स। सो द राइट आंसर विल बी बी, दैट इज सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स। सो दिस वॉज अबाउट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स एंड सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स। पार्ट वन में हमने इन तीनों स्टेटमेंट्स को कवर किया है एंड इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर सब ऑल्टरेशन स्टेटमेंट्स एंड ऑल्सो इसका थ्रेटिकल पार्ट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इनको कैसे क्रक्स में इसको लर्न करना है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल PanaceaTutor.com एंड इफ यू वॉन्ट टू अवेल द कंप्लीट कोर्स ऑफ पेपर वन एज वेल एज पेपर टू ऑफ कमर्स मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, you can join our online courses at PanaceaTutor.com and if you have any queries or doubt, you can contact us at the given number. Thank you.